सारी बधाइयाँ कि एक और नई फिल्म के मोहब्बत है, और ये मोहब्बतें जैसे नाम है तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं रोमांस और पूरा रोमांस भरपूर होगी फिल्म। क्या कहना चाहेंगे? फिल्म स्टोरी डिफरेंट है और ये फिल्म की जो कहानी और रियल स्टोरी है जो हमारे पश्चिमी चंपारण की कहानी है और बहुत 40 साल पहले घटना हो चुकी है, उसके स्टोरी है। तो क्या किरदार है इसमें आपका? बते नाम है तो एक लव स्टोरी फिल्म है तो भाई होगा जिसे ये मोहब्बतें कहीं कहीं शाहरुख और अमिताभ बच्चन जी की याद आ जाती है तो कहीं के जहन में वो भी छवि आ जाती है। हाँ बट वो नहीं है, ये एक मतलब साफ सुथरी और एक ऐसी लव स्टोरी है जो कि एक दूसरे के प्रति समर्पित है, बेहद ही रोमांचक है। बहुत सारी लव स्टोरी हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं सुनते हैं, हमारा एक ये भी एक लव स्टोरी है। कोई ऐसी लव स्टोरी जो आपने कभी सुनी हो टीवी पे या कहीं दोस्तों से, आपको लगे कि उसे फिल्म की शक्ल लेनी चाहिए, नहीं ले पाए, ऐसी कोई कहानी शेयर कीजिए? ऐसा कहानी तो खुद ये फिल्म की है जो बहुत सालों से हम लोगों ने प्रयास किया इसका NOC लेने के लिए, और 3 साल लग गए NOC लेने में। NOC लेने के बाद यह फिल्म के बाद व्यू डाला है आज जो आप लोगों के प्यार और पुराना आशीर्वाद से शुरू होगा। बट डिफरेंट कोई अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं उस पर वर्क करूँ और शुरुआत करूँ। आनाश जी, आपके बारे में कहा जाता है स्टाइलिश एक्टर नाम के आगे एक टाइटल सा जुड़ गया है, क्या उतनी स्टाइलिश फिल्म भी होगी? हमारी हर फिल्म में स्टाइलिस्ट आपने देखा होगा और कोशिश करता हूँ कि हमारी जो भी फिल्म हो फैमिली के साथ बैठा है सारे घर के सदस्य। अच्छा, जब लोग स्टोरी की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी जोड़ियाँ आती हैं, या फिर बाकी समय में काजोल और शाहरुख, ऐसी कोई लव स्टोरी या कोई ऐसी जोड़ी जिसकी आज वो आपकी फेवरेट रही? फेवरेट तो होती है, जोड़ियाँ बनती है फिल्म हिट होने के बाद, जब दर्शक उसको सराहते हैं तो जोड़ियाँ बनती हैं। बट अभी क्या है, हमारे भोजपुरी में अगर ज़्यादा जोड़ी बनाओ तो कुछ और अलग ही सोच लेते हैं, डर सा लगने लगता है। फिलहाल आपकी जोड़ी इनके साथ बन रही है, के साथ कहती हैं आप? बताइए अपने बारे में। जैसा कि अविनाश जी ने बताया कि एक लव स्टोरी है और सच्ची है, जो आजकल का जो एक एटमॉस्फेयर चल रहा है इधर प्यार सब कुछ खत्म हो चुका है, तो शायद ये फिल्म जब लोग देखेंगे तो शायद लव जो एक प्यार होना चाहिए वो भी नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं इसमें मेन किरदार निभा रही हूँ तो मेरे लिए भी अभी बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मैं इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर निभा रही हूँ। आप खुद भी बहुत ब्यूटीफुल हो इसीलिए आपको बड़ा ब्यूटीफुल कैरेक्टर मिला है, इससे पहले आप क्या करते थे जरा अपने बारे में बताइए? मैं थोड़ा सा नया हूँ। नाम एक्चुअली मैं बेसिकली मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ, मैंने सारे टीवी शोज किए हैं जैसे कुमकुम भाग्य है, परदेश में मरते, और भी काफ़ी सारे मैंने कंटिन्यूटीज की हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर रोल किए हैं, लेकिन भोजपुरी में मेरा पहला किरदार है और पहली फिल्म है। तो टीवी से सीधा बड़ा पर्दा, आप हिंदी में भी जा सकती थी, किसी और रीजनल में जा सकती थी, आप भोजपुरी में ही क्यों? हिंदी मूवी मेरी एक और है टाइम पे कि वो आने मतलब स्टार्टिंग होने वाली है उसकी भी जल्दी, उलझन नाम है उसका, और भोजपुरी की राह तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है तो मना करने का सवाल नहीं होता जब कुछ इतनी स्टोरी अच्छी हो और जब हम उसको कर रहे हो तो। ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट चाहता है कि एक अच्छी स्टोरी मिले, और भोजपुरी गुजराती और हिंदी से कोई मतलब नहीं होता, आर्टिस्ट के लिए एक अच्छा बेहतर वर्क करने को मौका मिले। और आज के डेट में तो समझ लीजिए कि जितने रीजनल्स हैं वो रिसेंट वहाँ के लोग अपने रीजनल्स फिल्म को ही कर रहे हैं, यूपी बिहार में चले जाइए तो 50 सिनेमा हॉल है तो उसमें 45 में तो भोजपुरी ही रहती है तो बताइए। और बेसिकली इनका मदर टोन भी भोजपुरी है तो आदमी चाहता है कि अपनी मदर टोन है जो लैंग्वेज है उस पर वर्क करें। मैं उसी सवाल पे आ रहा था, मुझे कान में किसी ने एक सवाल पूछा कि आप अपने बारे में ज़रा बताइए कहाँ की रहने वाली हैं? जी मैं यूपी की हूँ, बरेली की, और अभी मैं मुंबई में रहती हूँ, स्ट्रगल कर रही थी और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो काम रहा है टीवी सीरियल्स में ज़्यादा और मूवीज़ में आपने स्टार्ट किया। अच्छा, फिल्म का नाम है ये मोहब्बत, वैसे पूछना सब नहीं चाहिए लेकिन आपकी भी कोई मोहब्बत है या फिर कोई लव स्टोरी है तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मेरी मोहब्बत हाँ थी कॉलेज टाइम में जो सिर्फ 4 दिन चलती थी और ख़त्म हो जाती थी, रियल लाइफ में जब से मैं एक्टिंग लाइन में आई हूँ तो सीरियसली मेरी मोहब्बत सिर्फ मेरा एक्टिंग ही है। नहीं, किसी और से फिर क्यों मोहब्बत नहीं हुई, कोई उस लायक मिला नहीं या उन नज़रों से देखा नहीं? एक्चुअली ये जो लाइन है मैं इतना ओपनली खुल के नहीं बोलूँगी लेकिन
फाउंडेशन हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर ना हम अपनी पर्सनल लाइफ में टाइम दे पाएंगे ना प्रोफेशनल, इतने अच्छा दूरी पर। तो जिनसे आपको चार दिन वाली मोहब्बत हुई थी वो कहाँ है? आई डोंट नो वो कहाँ है, 9th और 8th क्लास का डिफरेंस था बस, आगे तो पता नहीं। ये शायद छोटी सी लव स्टोरी थी। अविनाश जी, फिल्म के बारे में जरा बताइए, कब से हम शुरू कर रहे हैं इसे? ये फिल्म हम लोग जून लास्ट में जा रहे हैं इसको, और बड़ी खूबसूरत लोकेशन पर हम शूट करना चाहते हैं क्योंकि लव स्टोरी है। और ये फिल्म से हमारे समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, डिफरेंट चीज़ें से। और रियल इवेंट्स पर बेस्ड फिल्में भोजपुरी पे, शायद मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कवर नहीं किया किसी भोजपुरी में रियल इवेंट्स पर फिल्म बनी हो, ये पहली फिल्म होगी जो कि रियल लव स्टोरी पे होगी, आपने उसे भी ली है, आपको लगता है इस बात का फिल्म को फायदा होगा? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये पॉपुलर है, इतने हर लोग वहाँ के चाहते थे कि इस स्टोरी पर फिल्म बने और उसको देखा जाए, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को, कुछ लोगों ने कानों से सुना, कुछ लोगों ने देखा है, और जो लड़का इसमें लड़का लड़की कहानी है उनके साथ भी उन लोगों ने पल गुजारा, उनके दोस्त रहे, सब सारे लोगों का ये कहना था कि इस फिल्म को बनाया जाए, स्टोरी को फिल्म बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो नाच होती है उस नाच में इस फिल्म का ड्रामा खेला जाता है, तो जो औरतें हमारे यहाँ गए चंदा लगा करके पैसा मिला करके और वो नाच करवाते हैं। इतनी फेमस, इतना फेमस सब्जेक्ट है, आपके डायरेक्टर साहब से कुछ पूछ लीजिए आपने, सर क्या चीज़ थी इस कहानी में जिसने आपके दिल को छुआ और आपने सोचा कि मैं इसे कहानी की शक्ल दी जाए और इस पर फिल्म बनाई जाए? कहानी को अवनाश जी बताया जब हमको, कहानी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा था कि इस पिक्चर को बनाया जाए, और मैंने जस्ट एक महीना पहले दूसरा पिक्चर का मैंने काम शुरू किया, उसके बाद मैं इस पर काम चालू कर दिया, और इसकी म्यूजिक का काम बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है, क्योंकि यह पिक्चर 1 से 1.5 महीना में ही फ्लॉप हो जाएगी। ये रियल स्टोरी जो है वो कहाँ की है, कुछ डिटेल? हाँ, ये आपको चंपारण में, चंपारण की है, जहाँ पे अभी भी मेला लगता है, हर साल बाजार लगते हैं वहाँ पे, जहाँ पे दोनों हीरो हीरोइन शहीद हो गए, मतलब शहर के बाहर जाते हैं, बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पे, मेला लगता है हर साल। गोपाल जी, इसकी शूटिंग कहाँ करने वाले हो? पब्लिक इसकी शूटिंग मैं बॉम्बे में करूँगा, प्लस नाम कुछ बिहार। कब से शूटिंग शुरू करेंगे? गीत का काम चालू हो रहा है 2-4 दिन के अंदर में, उसके बाद जैसे ही सारा काम कास्टिंग फाइनल हो जाएगा वो लग जाएगा, 2 मिनट लगेगा शूट चालू हो जाएगा। तो ये जहाँ की घटना है वहाँ भी शूट करेंगे? हो सकता है वहाँ भी शूट करना पड़ेगा, संभावना है वहाँ भी शूट करने का, संभावना है जो ब्यूटी है उसको लेना जरूरी, जहाँ घटना है वहाँ पर शूट करते हैं, थोड़ा सा कुछ वहाँ का दर्शक को अपनाया जाए ये सोच। मैंने हिंदी मूवी अभी मेरी जैसे कि आने वाली है कुछ, और इससे पहले मैंने तो भोजपुरी में इस फिल्म में एक लाइन में स्टोरी क्या है और आपका पूरा किरदार किस तरह का है? जो मेरा किरदार है एक लड़की के ऊपर है, लाइक रिच गर्ल, सिंपल एंड थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, एंड शी इज सुपर क्यूट लाइक सॉफ्ट, और एक लड़के से मिली है उसे प्यार है, लेकिन लड़का जो अदर कास्ट है जैसे कि यूपी बिहार में दिखाया जातिवाद के ऊपर, ठाकुर और दलित को तो वैसे काम नहीं कह सकते, वैसा भी कह सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे तुरंत के बारे में? आपका पूरा नाम, आपका पूरा नाम बताइए। रनिंग सबसे पहले तो अपने परिचय से शुरू कीजिए और बताइए जरा ये क्या इवेंट आया। मैं अमित कुमार, मेरी एक मूवी जो है ये मोहब्बत, ये अभी आज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, मोहब्बत कर रहे हैं हम लोग इसका, और मैं बिहार का रहने वाला हूँ बेसिकली, और लेकिन हमारा जो बिज़नेस है वो दिल्ली में, मेरा बिज़नेस है रियल इस्टेट का, और इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस किया, इससे पहले भी मैंने कुछ मूवी में दिया है, अपना फंडिंग किया हुआ है, ये हमारी दूसरी मूवी कह सकते हैं आप, ये मूवी इसमें हमने अविनाश शाही को कास्ट किया है,
जो ये मूवी की कहानी है इसके बारे में मैं कुछ बताऊं कि कहते हैं इश्क, इश्क जो है ये इश्क किसी का जान भी ले लेती है, ये इश्क किसी का जान भी ले लेती है, ये किसी को मार भी देती है, हाँ ये किसी को ऊपर भी चढ़ा देती है, किसी को नीचे भी गिरा देती है। इसमें बहुत सारे युवा लोग ऐसे हैं जो बहक भी जाते हैं, जो संभल भी जाते हैं। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में ये कहानी है ये मोहब्बत, कि कुछ लोग जवानी के जोश में कह लें या फिर कह लें कि एक जुनून में, इश्क के जुनून में बह जाते हैं, वो अपने समाज, अपने माता पिता, उनका ध्यान ना रख के वो इश्क में रह जाते हैं। मोहब्बत की साइड इफेक्ट तो कहें, हमने डॉट डॉट रखा है इसमें, आपने देखें डॉट डॉट रखा है इसमें, आप कुछ भी फील कर लो। मोहब्बत जो है, आपने क्या फील किया है? मैंने ये किया है ये मोहब्बत के लिए कि मोहब्बत में आदमी बढ़ भी जाता है लेकिन उसे समाज से बहुत बुरी तरीके से लड़ना पड़ता है और उसे कुर्बानी भी देनी पड़ती है। जो कुर्बानी देके अपनी मोहब्बत को जिंदा रखते हैं वो रियल मोहब्बत होता है। यही चीज़ हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की। अमित जी, आपके रियल लाइफ में कभी मोहब्बत किए हैं? जी किया है, बिल्कुल किया है, आपने भी किया होगा, किया है, और उसकी कहानी भी कुछ यहाँ पे ताजी होने वाली, लेकिन इसमें हमने अपना जो इसका ट्रेजेडी है वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन हाँ उससे कुछ है चीज़, कुछ चीज़ें मिल रही है इसमें भी, मिल रही है। जुड़े बाकी लोग जी, उनके बारे में ज़रा बताइए। मैंने स्टार कास्ट में अविनाश शाही जी को लिया हुआ है, हमारे डायरेक्टर जी हैं गोपाल पाठक जी हैं, और एक जो एक्ट्रेस है हमारी गरिमा जी को हमने लिया हुआ है, मणिशंकर जी हैं जो कि इसके को प्रोड्यूसर भी हैं, वो भी है हमारे साथ, और उनका भी एक्टिंग है इसमें, भी है हमारे साथ। मैं प्रोड्यूसर में आपके साथ और श्वेता भारती एक नाम देख पा रहा हूँ। जी वो भी हमारे को प्रोड्यूसर हैं, हमारे अपने ही हैं। और कब फिल्म आपकी शुरू हो रही है? ये इस मंथ के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली बारिश के बाद हम लोगों ने सोचा है इसको स्टार्ट करूँ, लेकिन इस मंथ के बाद कभी भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसकी शूटिंग। आपके डायरेक्टर साहब से कुछ पूछ लिया जाइए सर, जरा आपके बारे में बताइए और कैसे इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं? यह हमारा 15वां पिक्चर है, मैंने इससे पहले भोजपुरी भी बनाया है, मैथिली भी बनाया है, नेपाली भी बनाया है, और यह क्या बोलते हैं, मैं इस लाइन में 17 साल से हूँ। सामने देखिए कैमरा में, 15वां पिक्चर है कैमरा में, और यह पिक्चर एक रियलिटी लव स्टोरी पर आधारित पिक्चर है। और हाँ ये बात है कि ये मोहब्बत, ये रियल लव स्टोरी मतलब ये एक सच्ची प्यार की कहानी होगी। किसकी प्यार की कहानी है आपके? ये नरकटियागंज का एक धूम लड़की है और एक मुस्लिम लड़का है जिस पर जिसकी लव स्टोरी, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली लव स्टोरी वाला एंगल मिलता है, हिंदू मुस्लिम की लव स्टोरी है और ये रियलिटी मैंने रियलिटी लव स्टोरी। आपको नहीं लगता फिर वो कुछ पर्टिकुलर समाज को इस पर आपत्ति हो सकती है? नहीं, इस पर आपत्ति होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यह जो इतिहास है, जो घटना घट जाती है वो इतिहास होता है, और इतिहास को हम दोहरा सकते हैं, दिखा सकते हैं, चाहे जिस रूप में फिल्म के रूप में दिखा सकते हैं, चाहे जिस भी रूप में दिखा सकते हैं। कहाँ कहाँ सोचा है आपने फिल्म शूट करेंगे? मैंने इसका सोचा है बॉम्बे में शूट करूँगा, नेपाल में शूट करूँगा, कुमार हो सकता है कुछ कुमार बिहार में भी करूँगा। जरा बताइए फिल्म कब तक बनके तैयार हो सकती है, कितने शेड्यूल में शूट करेंगे? मैंने इस पिक्चर का मैं एक शेड्यूल में ही ख़त्म करने का प्लान कर रहा हूँ। उसकी अभी गीत मैंने मुहूर्त होगी, गीत का काम चालू होगा, इसमें स्टार कास्ट भी हमने अभी पूरा फाइनल नहीं किया है, सिर्फ 2-3 कलाकार इसमें मैंने फाइनल किया है, बाकी मैं इसमें एक और बड़ा स्टार को मैं डालूंगा, और मैंने हिंदी फिल्म के भी कुछ कलाकार को डालूंगा इस पिक्चर में, उसके बाद पूरा स्टार कास्ट फाइनल हो जाएगा, फिर पिक्चर शूटिंग के फ्लॉप हो जाएगा। आपने कहा बड़े एक्टर्स भी कुछ होंगे इस इंडस्ट्री से? अभी मैंने फाइनल इसलिए नहीं किया है लाइव पर क्योंकि बाहर चल रही है, और मैंने इसलिए पोस्टर में भी डाला नहीं है, फाइनल हो जाएगा, अब मैं लाइव इसका घोषणा कर दूंगा। मतलब पवन खेसारी या निरहुआ इसमें से भी कोई होगा? नहीं, ये लोग नहीं हो सकता है क्योंकि जो मार्केट का स्थिति है, मार्केट की स्थिति में लोग चल नहीं रहा है, तो इनको लेना नुकसान का धंधा है। मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केट का नॉलेज है, उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। हमारे जो फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं हमारे मिस्टर एस कुमार जी हैं, एक बार उनसे भी पूछ लिया जाए, जो कि बहुत ही मेलोडियस गाने बनाने वाले हैं इस मूवी के लिए, इनसे बात करिए। सर बताइए कैसे गाने होंगे इसमें? एकदम रियल लव स्टोरी है जी। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, ये रियल स्टोरी है, रियल लव स्टोरी है। आप समझ सकते हैं कि नायिका भूमिका मिल जाए सारे गाने बनने वाले हैं। कितने गाने हैं इसमें? 7-8 गाने। 7-8 गाने तो निकले हो सके काम कर जाए, और सब सारा सिचुएशन है इसमें, आप गर्व से बोल सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश है कि कहीं सा गाना
होटल है लेकिन आपको भी अलग रखी है, इस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं है, एकदम ऑरिजिनल गाना इसमें बनाने कोई एल्बम बनाने। और जैसे आप लोग जानते हैं मेरे हर फिल्म में किसी एल्बम का गाना मैंने डालता हूँ, मुझे पसंद होता है। और सारे गानों को भी आपका ही म्यूजिक है जी, और कौन लिख रहा है इन गानों को? तो मैं लिखूँगा, उसमें मैं गीतकार हूँ, गीतकार को रखेंगे, अच्छा लिखा।